चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। विध्वंसक अभियानों के खिलाफ कानून। देश पिछले कुछ हफ्तों से विध्वंस अभियान का अनुमान देख रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बुलडोजर के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के विचार उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल लोगों से हर्जाना वसूलने के आदेश पारित किए। राज्य सरकार का दावा है कि ये विध्वंस अवैध अतिक्रमण के जवाब में है। हालांकि तथ्य यह है कि ये मनमाने ढंग से विध्वंस एक विशेष समुदाय के कथित दंगाइयों के खिलाफ किए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य दंगों में शामिल लोगों को सामूहिक रूप से सजा देना है। विध्वंस अभियान कैसे है समस्याग्रस्त? आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का अनुच्छेद 11(1) पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित अपने एवं अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन स्तर, रहने की स्थिति में निरंतर सुधार के लिए सभी के अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 11(1) के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार जैसे इन मुद्दों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए देश उचित कदम उठाने के लिए बाध्य है। ICESCR के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों को राज्यों द्वारा केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब कानून द्वारा इन अधिकारों की प्रकृति के अनुकूल और पूरी तरह से समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। हालांकि वाचा में दिए गए अधिकारों जैसे पर्याप्त आवास के अधिकार पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध से इन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। ICESCR इन्हें विशेष रूप से अनुच्छेद 5 में मान्यता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की रूपरेखा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ढांचे के तहत एक अच्छी तरह से प्रलिखित अधिकार भी है जो भारत पर बाध्यकारी है। उदाहरण के लिए मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR के अनुच्छेद 25 में कहा गया है, हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास तथा चिकित्सा शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार में मनमाने हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित करता है। उदाहरण के लिए UDHR के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि किसी की भी गोपनीयता, परिवार, घर या पात्र चार के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ना ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। अनुच्छेद 12 यह भी निर्धारित करता है कि हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमले के खिलाफ कानून के तहत संरक्षण का अधिकार है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 17 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकल एवं सामूहिक रूप से संपत्ति का अधिकार है और किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति की संपत्ति में मनमाना हस्तक्षेप करना ICCPR के नियमों का घोर उल्लंघन है। संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा है कि कानून की उचित प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह समझाते हुए कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी प्रकृति की है तो इसे प्रक्रिया बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए तथा इस प्रकार अनुच्छेद 21 की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि नगर पालिका कानून के तहत नोटिस देने का अधिकार प्रदान किया जाता है तो इस अधिकार का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राधिकरण बिना नोटिस दिए तथा कब्जा करने वाले को सुनवाई का अवसर दिए बिना अवैध निर्माणों हेतु भी सीधे विध्वंस कार्य नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 जैसे मामलों में तथा हाल ही में प्रसिद्ध पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 में इस सिद्धांत को निर्धारित किया है कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को पढ़ा
और उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के साथ उनकी अनुरूपता को बढ़ाएगा। क्या है भविष्य? यह उचित समय है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका कार्य करे और कार्यपालिका शक्ति के बेलगाम प्रयोग पर आवश्यक रोक लगाए। न्यायालयों को राष्ट्रवादी लोकुल भावना विमर्श का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग करना चाहिए। आपराधिक कृत्य के दंडात्मक परिणाम के रूप में विध्वंस अभियान का औचित्य पूरी तरह से आपराधिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। विध्वंस अभियानों का संचालन एक प्रतिशोधी उपाय के रूप में, यहाँ तक कि हिंसा को रोकने के लिए घोषित उद्देश्य के साथ साथ तोड़फोड़ करना कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन है।